निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे, सब जाए अभी परमान रहे, मरणोत्तर गुंजित ज्ञान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव सौर एकेडमी से। तो पिछले लेक्चर में हमने कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे लेक मतलब झील और नहर के बारे में कि वर्ल्ड में कौन सी इंपॉर्टेंट नहर और झील है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। ये आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व डायरेक्शन में एक जगह है, नाम है क्वींसलैंड, क्वींसलैंड। और यहां पे एक सागर है, समुद्र है, नाम है कोरल सी, कोरल सी। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व दिशा में क्वींसलैंड जगह में कोरल सी में, कोरल सी में 2300 किलोमीटर मूंगे से बनी हुई एक लंबी दीवार है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। कोरल सागर में मूंगे से, मूंगा मतलब रत्न आप समझते हैं, तो कोरल से बनी मतलब मूंगे से बनी 2300 किलोमीटर दीवार को ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। इसकी लंबाई 2300 किलोमीटर है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बनाया है। ये स्पेस से भी दिखता है, ये कई जगह से टूट चुकी है, इसका ज्यादा से ज्यादा भाग पानी में डूबा है, कुछ हिस्सा पानी के ऊपर भी उभरा है जो दिखता है। हमारा अगला टॉपिक है स्वेज कैनल मतलब स्वेज नहर। ये आपको दिख रहा है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, और ये आपका एशिया है, और ये अरब प्रायद्वीप है। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच एक सागर है जिसको बोलते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर इंग्लिश में मेडिटेरियन सी बोलते हैं, भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी है, और यहां पे अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बगल से है। ये जो सागर है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रेड सी। तो एक नहर है जो भूमध्य सागर को रेड सी से जोड़ता है, उसे स्वेज कैनाल बोलते हैं। स्वेज कैनाल क्या है? एक नहर है जो आवागमन के लिए बनाई गई है, भूमध्य सागर को रेड सी से जोड़ता है। इसका निर्माण 1869 में हुआ था। तो इसका यूज केवल आवागमन के लिए किया जाता है, समझिए थोड़ा सा। ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर और ये इंडियन ओशन। तो जब स्वेज कैनल नहीं था, अब अगर आपको अटलांटिक मतलब यहां पे आप हैं और आपको इधर जाना है, ठीक है, तो आपको ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, तो बहुत समय लगता है और बहुत किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। तो ये टाइम की बचत करने के लिए, किलोमीटर की बचत करने के लिए भूमध्य सागर को रेड सी से जोड़ दिया गया है। तो अगर अब आपको यहां से यहां जाना है, तो आप भूमध्य सागर से स्वेज कैनल के थ्रू रेड सी आएंगे, रेड सी से आप हिंद महासागर इंडियन ओशन आ सकते हैं। मतलब स्वेज कैनल जो है मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। ऐसा करने से 7300 किलोमीटर डिस्टेंस की बचत होती है। इसका निर्माण 1869 में किया गया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, ठीक। तो यहां पे अलास्का रीजन पड़ता है, ये आपका पूरा कनाडा है, ये पूरा यूएसए है, ये मैक्सिको, और ये है पनामा देश, ये पनामा कंट्री है, पनामा, ठीक। यहां पास खूब सारे आइलैंड हैं, तो आइलैंड के ग्रुप को वेस्ट इंडीज बोलते हैं। मतलब वेस्ट इंडीज केवल एक लैंड का टुकड़ा नहीं, बहुत सारे आइलैंड के ग्रुप को क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज बोलते हैं। और यहां पास एक सी है, कैरेबियन सी, कैरेबियन सी। तो सोचिए, ये उत्तरी अमेरिका का पूर्व मतलब ईस्ट साइड और ये वेस्ट साइड। तो अगर आपको उत्तरी अमेरिका के इस छोर से इस छोर जाना है, तो अभी आपको ऐसे जाना पड़ता था, ऐसे जाना पड़ेगा ना, ठीक।
डिस्टेंस को सॉर्ट करने के लिए एक नहर बनाई गई, नाम है पनामा कैनल। पनामा कैनल, पनामा नहर। ये नहर 77.1 किलोमीटर लंबी है, जिसका निर्माण 1914 में हुआ था। इस ये नहर पनामा देश से होकर गुजरती है और ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को कैरेबियन सी से अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा कैनल पैसिफिक ओशन को, प्रशांत महासागर को कैरेबियन सी से होते हुए अटलांटिक ओशन से जोड़ती है, ठीक है। इसका निर्माण 1914 में हुआ था। तो समझिए, जब हमने ये डिस्टेंस प्रशांत महासागर से, जब हमने ये रूट बना लिया, प्रशांत महासागर से हम सीधे कैरेबियन सी से होते हुए अटलांटिक महासागर, यहां से न जा करके ऐसे जा रहे हैं, तो ये पनामा कैनल बनाने से 12,875 किलोमीटर की बचत होती है। देखिए, अगला टॉपिक है कैस्पियन सी, मतलब कैस्पियन सागर। ये खारे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर खारे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है। कहां है? देखिए, ये यूरोप और एशिया के बॉर्डर में पड़ती है। ये होगी कैस्पियन सी। ऊपर कैस्पियन सागर के ऊपर एक देश है, नाम है कजाकिस्तान। मतलब कैस्पियन सी के उत्तर में है कजाकिस्तान, दक्षिण में है रूस, नीचे है ईरान, मतलब नॉर्थ साइड है कजाकिस्तान, साउथ में है ईरान, और वेस्ट साइड है रसिया, और कैस्पियन सी के ईस्ट साइड है तुर्कमेनिस्तान। कैस्पियन सागर खारे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है वाटर कैपेसिटी के हिसाब से। देखिए, अगला सागर है अरल सागर। अरल सागर, अरल सागर कहां पड़ता है? एक देश है, इस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। तो अरल सागर उज्बेकिस्तान में पड़ता है, और अरल सागर का थोड़ा सा पोर्शन, अपर पोर्शन, कजाकिस्तान को भी टच करता है। देखिए, अगली झील है बैकाल झील। ये देखिए चाइना है, चाइना के ऊपर देश पड़ता है मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर पड़ता है बैकाल झील। तो जो बैकाल झील है, मीठे पानी की झील है, और ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। इसकी मैक्सिमम जो डेप्थ है, गहराई है 1620 मीटर। बैकाल झील मीठे पानी की झील है, और इसकी अधिकतम गहराई क्या है? 1620 मीटर है इसकी अधिकतम गहराई। तो ये जो बैकाल झील है, दो देश के बॉर्डर को टच करती है, मंगोलिया और रसिया। तो रसिया की एक जगह साइबेरिया, तो ये साइबेरिया के पास में स्थित है बैकाल झील। तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा? कैस्पियन सागर जो यूरोप और एशियन बॉर्डर का काम करती है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, फिर आपने पढ़ा अरल झील, ठीक। उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा? बैकाल झील। तो बैकाल झील मंगोलिया और रसिया के बीच में पड़ती है। देखिए, हमारा अगला है डेड सी, मतलब मृत सागर। तो डेड सी के ईस्ट में है इजराइल देश, और वेस्ट में है जॉर्डन। मतलब जो डेड सी है, ये अरब प्रायद्वीप में है, जो कि मिडिल एशिया का हिस्सा है। तो डेड सी के लेफ्ट में इजराइल और राइट में जॉर्डन कंट्री है। इजराइल एशिया का सबसे गर्म देश है। मतलब इजराइल में औसतन टेम्परेचर जो होता है साल भर का 54 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अब डेड सी को डेड सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सी का जो वाटर है इतना खारा है कि यहाँ कोई भी मछली, मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाते, मतलब पनप नहीं पाते। यहाँ इस पानी का जो खारापन है महासागरों के पानी से 10 गुना ज्यादा खारा है। डेड सी का जो पानी है उसका जो खारापन है महासागरों के पानी से 10 गुना ज्यादा खारा है। इस वजह से यहाँ पे जो पानी में रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे हैं ज्यादा पनप नहीं पाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डेड सी या मृत सागर बोलते हैं। तो यहां तैरना भी आसान है क्योंकि यहां डेड सी मतलब पानी ज्यादा खारा है। तो यहां के पानी का क्या है? घनत्व डेंसिटी भी ज्यादा होगी। यहां के पानी की डेंसिटी है 1 लीटर बराबर किसके बराबर है? 1.24 केजी के।
एक लीटर बराबर यहाँ पानी कितना 1.24 केजी के बराबर, मतलब 1.25 किलो के बराबर है। तो देखिए जो तैरना होता है, जो तैरना होता है वो हमारी बॉडी के वेट और पानी के वेट पर डिपेंड करता है, पानी के डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अब क्योंकि पानी का जो वेट है, मतलब एक लीटर बराबर 1.24 केजी के बराबर है, ठीक है, और हमारा जो वेट, तो हम यहां के पानी क्या हो गए, हल्के हो गए इस पानी की तुलना में। तो इसलिए खारे पानी में हम ज्यादा आसानी से तैर पाते हैं, क्योंकि वहां का जो पानी का डेंसिटी होता है खारे पानी का ज्यादा होता है, और फ्रेश वाटर में क्या होता है कि जो पानी की डेंसिटी होती है वो कम होती है, उस केस में हमारा जो वेट है उस पानी की तुलना में ज्यादा होता है, तो फ्रेश वाटर में तैरना इसलिए कठिन होता है। देखिए हमारा अगला है सुपीरियर लेक, मतलब सुपीरियर झील। सुपीरियर लेक मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है, ये कनाडा और यूएसए को टच करती है। सुपीरियर लेक उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए को टच करती है। ये मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है। तो यूएसए से एक और झील आती है जो इस सुपीरियर झील से मिलती है, इस झील का नाम है मिशिगन लेक, मिशिगन लेक। और यहां पास एक बड़ी झील का निर्माण होता है, मतलब सुपीरियर लेक आके मिला, मिशिगन लेक आके मिली और बड़ी सी झील बन गई, इसको बोलते हैं ह्यूरॉन लेक। तो सुपीरियर लेक जो है ये कनाडा और यूएसए को टच करता है, मिशिगन लेक केवल यूएसए को टच करता है, और ये जो ह्यूरॉन लेक है ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर को टच करता है। देखिए हमारी अगली झील है टांगानीका झील, टांगानीका लेक। ये दुनिया की सबसे लंबी झील है मानी जाती है, ये मीठे पानी की झील है। ये कहां स्थित है, ये अफ्रीका देश, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में आपको पता है साउथ अफ्रीका, यहां पास कहीं पास जिम्बाब्वे, यहां पे जाम्बिया, यहां तंजानिया। तो जो टांगानीका लेक है वो टच करती है जाम्बिया और तंजानिया को। टांगानीका लेक, टांगानीका झील, ये दुनिया की सबसे लंबी झील है। इसका जो नेचर है मीठा पानी है इसका, मतलब फ्रेश वाटर है पीने लायक। जाम्बिया कंट्री को और तंजानिया कंट्री को होकर गुजरती है, मतलब स्थित है। तो देखिए टांगानीका लेक दुनिया की सबसे लंबी झील हो गई, ठीक है, जाम्बिया और तंजानिया से होकर ये गुजरती, मतलब स्थित है। और बैकाल झील के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है, कौन सी झील, टांगानीका झील। अब बात करते हैं विक्टोरिया झील की। तो जाम्बिया तंजानिया यहां कहीं पड़ता है, युगांडा केन्या। देखिए ये जो झील है तंजानिया युगांडा और केन्या को टच करती है, और इस झील का नाम है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया लेक। तो सुपीरियर लेक के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। कहां स्थित है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तंजानिया कंट्री, युगांडा कंट्री और केन्या कंट्री के बीच में स्थित है। इसमें विशेष बात यह है नील नदी जो है, नील नदी का जो उद्गम विक्टोरिया लेक से होता है, ये नील नदी, तो नील नदी का जो उद्गम विक्टोरिया लेक से होता है, और नील नदी कहां मिलती है, भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है, मतलब मेडिटेरियन सी में मिल जाती है। और आपको पता है नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, अमेजन नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि दक्षिणी अमेरिका से आकर बहती है, और कहां गिरती है, अटलांटिक महासागर में। और दुनिया की सबसे तीसरी लंबी नदी है मिसिसिपी, जो कि उत्तरी अमेरिका में बहती है। और दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी है यांगत्सी, जो कि एशिया में। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके, और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू सो मच।